हाँ तो वही आ गए सब सब लोग आ गए। ठीक, कोई बाकी तो नहीं रहा। चलो शुरू करें। चलो करते हैं शुरू। तो कक्षा 11 पास करके आ गए आप लोग, 12 में आ गए, 12th क्लास में एंटर कर दिया आप लोग। हैं तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, थोड़ा रिवीजन कराते हैं। तो ये अपनी विज्ञान की क्लास है, तो सब लोग जानते ही होंगे कि विज्ञान में क्या क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। हाँ भाई बताओ पांच बताओ भाई, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। ये है विज्ञान। विज्ञान की कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं देखो, है पता? विज्ञान की मुख्य शाखाएं होती हैं तीन, भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा रसायन विज्ञान, और तीसरी शाखा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है ना सबके पास क्लास 12 में है? हाँ भाई। तो ये मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान मीन्स इसको बोलते हैं फिजिक्स, है? और रसायन विज्ञान को, हाँ क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, यहां से शुरू करेंगे जीव विज्ञान। मैं तो टीचर ही हूँ जीव विज्ञान का, तो मैं तो जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो मेरे को बात करनी है केवल जीव विज्ञान। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मीन्स अभी बताया था, क्या बताया था? बायोलॉजी। बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द आया कहाँ से, किसने इसका नाम दिया, कौन है जिसने ये जीव विज्ञान नाम लाया? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जनक जनक वो नहीं, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का जो जो ससुर थे श्री राम के, वो जनक नहीं बता रहा हूं मैं। जनक मीन्स होता है फादर। जीव विज्ञान के फादर कौन है? इसके फादर है अरस्तु। अरस्तु। अरस्तु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। अरस्तु ये अपने जीव विज्ञान के जनक है, अरस्तु। ठीक है, समझ गए जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। चलो लिख लेना भाई, नोट करते रहना अपना अपना टॉपिक, नोट करते रहने से नोट्स बनते हैं जो परीक्षा में काम आता है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है? जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी मेन शाखाएं हैं?
जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, कौन सी? एक जंतु विज्ञान और दूसरी शाखा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। अब जंतु विज्ञान क्या होती है? जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको जंतु विज्ञान कहते हैं, जीवों का जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों के बारे में सीखते हैं, जानते हैं उनके बारे में, उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, पेड़ पौधों के बारे में। तो जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? जीव विज्ञान की कौन सी दो शाखाएं? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, नोट कर लो, मिटाते चलना है, हम नोट करते रहना साथ में। ये मत कहना बाद में कि रह गया सर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ, एक चीज तो बताई नहीं मैंने आपको, जंतु विज्ञान अभी बताई थी, जीव विज्ञान की दो शाखाएं, एक जंतु विज्ञान और दूसरी क्या बताई थी? वनस्पति विज्ञान। इसके भी हम फादर बताते हैं, जनक, राजा जनक है, राजा जनक जंतु विज्ञान के फादर, जंतु विज्ञान के फादर है वही एरिस्टोटल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तू। ठीक है, देखो जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तू थे और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तू ही है। ठीक, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये है THEOPHRASTUS। इसको हिंदी, इनका हिंदी में नाम ध्यान से पढ़ लेना, थियो फ्रेस्टस। क्या नाम है इनका? थियो फ्रेस्टस। ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, और जंतु विज्ञान के अरस्तु, जीव विज्ञान के भी अरस्तु, ध्यान रखना, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। कुछ चीजें पीछे रह जाती है तो बता दिया करो, तुम लोग बताते नहीं हो बिल्कुल, है बता दिया करो। सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा ध्यान दो इधर इधर। तो अपना जीव विज्ञान का पहला चैप्टर कौन सा है? जीवों में जनन, ये अपना पहला चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं आज, कुछ हल्की पुल्की शुरुआत हो जाए आज, उसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड लेंगे उसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन। एक बार बताओ कि जीव जंतु जितने भी इस प्रकृति में है, वो उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। पहले भारत की संख्या कुछ और थी, जनसंख्या अब बढ़ के 1.25 अरब हो गई है, ये संख्या बढ़ती रहती है।
क्यों बढ़ती रहती है? कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से ये संख्या बढ़ती रहती है, तो वही प्रोसीजर जनन कहलाता है। ठीक है, तो जनन किसे कहते हैं? जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जनन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते रहते हैं उसको जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन। जीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। वह कार्यविधि जिसके द्वारा जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? वह कार्यविधि, वह प्रक्रिया, कार्यविधि को प्रक्रिया भी लिख सकते हो, प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं उसे जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता, कुत्ता जब जन्म देगा तो कुत्ते को ही जन्म देगा, गाय को जन्म तो नहीं दे देगा, हैं? भैंस का बच्चा भैंस ही बनेगा, हैं? घोड़े का घोड़ा बनेगा, घोड़े का बच्चा कुत्ता थोड़े बन जाएगा, हैं? तो इसीलिए है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान, कैसे, अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं उसे जनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जनन किसे कहते हैं? दूसरा ये कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी जाति में निरंतरता बनाए रखते हैं या अपनी जाति की संख्या बनाए रखते हैं उसे जनन कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, लिख लो। ठीक, जनन, जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन जनन रिप्रोडक्शन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होता है? जनन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, समझ में आया? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जनन दो प्रकार का होता है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नोट करते रहना। अब बताते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है।
लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग के जीव भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग के जीव भाग लेते हैं। भाग लेते हैं मतलब दौड़ नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं विपरीत लिंग के। ठीक है, इसमें विपरीत लिंग में कोई नर होता है और कोई दूसरा मादा होती है। ठीक है, एक नर होगा और एक मादा होगी। नर और मादा दो विपरीत लिंग के लोग जो है जीव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है इसमें अलगाव है, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में इसमें नर या मादा की जरूरत नहीं होती, केवल एक ही जीव इसमें भाग लेता है, एक ही जीव से नई संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह की जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे इसमें क्या बताया मैंने, एक ही जीव जनन में भाग लेता है जिससे नई संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक ही। अब ये कैसे उत्पत्ति होती है, जैसे ये रहा अमीबा। ठीक है, ये क्या है, अमीबा। तो इसमें क्या होता है, अमीबा जब वयस्क हो जाता है तो ये ऐसे बीच से दो, ये जो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसका केंद्रक, और इसमें जो ये द्रव्य भरा